हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट। माय नेम इज मोहित सावंत। आज हम लोग इस सेशन में इकोनॉमी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी को हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए डील कैसे करेंगे या फिर क्या अप्रोच हमारा इकोनॉमी के बारे में होना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, तो तीन या फिर चार सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों कि जो आपको डेफिनेटली कॉस्ट बेनिफिट में ज़्यादा आने वाले हैं, या फिर आप जितना इनपुट उसमें दे रहे हो उतना आउटपुट आपको उस सब्जेक्ट में आ सकता है। जैसे उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो, टॉपिक या फिर सब टॉपिक की लिस्टिंग आपके पास रेडीमेड हो, तो डेफिनेटली आप इकोनॉमी क्रैक कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तीन चार पॉइंट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इकोनॉमी का ओवरऑल वेटेज देखेंगे, टॉपिक वाइज डिसाइफर करेंगे इकोनॉमी को कि टॉपिक वाइज वेटेज इकोनॉमी का कौन कैसा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के बारे में और वो टॉपिक हम लोगों को फोकस करने हैं। उन टॉपिक को लेके माइक्रो लिस्टिंग भी करेंगे या फिर उन टॉपिक को डिसाइफर कैसे करना है थ्रू द यूज ऑफ PYQ, वो भी आज देखेंगे। उसके बाद सोर्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सोर्सेस यूज करने हैं। फिर करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि करंट अफेयर्स एक कहा जाता है या फिर एक ऐसे मैं मिथ ही कहूंगा उसको, कि ऐसे मिथ होता है कि सर इकोनॉमी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कि इफ यू आर नॉट थरो विथ योर स्टैटिक या फिर कंसेप्चुअल पार्ट, देन करंट अफेयर्स वोंट सेव यू इन द इकोनॉमी वाला पार्ट, ये चीज ध्यान रखिए। तो करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है या फिर उससे कैसे डील करें वो भी डिस्कस करेंगे, सोर्सेज के बारे में करेंगे और फिर कुछ थंब रूल्स डिस्कस करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग द इकोनॉमी सेक्शन फॉर द प्रीलिम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले देखते हैं ओवरऑल वेटेज सब्जेक्ट का कितना है। यहां पे मैंने जो वेटेज दिया है आपको माय फ्रेंड्स, वो प्योरली इकोनॉमी का वेटेज दिया है। इसीलिए अगर कुछ वेबसाइट्स या फिर दूसरे वीडियोस में आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा तो वो इसकी वजह से होगा, क्योंकि मैंने यहां पे कुछ स्कीम्स वगैरह नहीं क्लब की है या फिर यहां पे एग्री वाला कंपोनेंट नहीं क्लब किया है प्रीलिम्स के लिए। यहां पे मैंने प्योरली इकोनॉमी वाला कंपोनेंट लिया है कि प्रीलिम्स में PY कितने क्वेश्चंस प्योरली इकोनॉमी के लिए है। तो अगर आप देखें यहां पे यहां से ट्रेंड, तो 2013 से लेकर 2022 तक तो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन तो आप कह ही सकते हो कि 15 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं ऑन एन एवरेज इकोनॉमी के सेक्शन में, यानी 30 मार्क्स तो आपको इकोनॉमी में होने ही वाले हैं। यानी अगर आपको इकोनॉमी की स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होगी या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो आई कैन टेल यू इकोनॉमी इज द हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट वाला सब्जेक्ट। यानी 13 क्वेश्चन तो आप आराम से डील कर सकते हो, इफ नॉट 15 तो 13 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप डिस्कस कर सकते हो। यानी 25 मार्क्स तो आपको अकेला इकोनॉमी वाला कंपोनेंट ही देने वाला है यहाँ पे। ओके, सो प्लीज डोंट इग्नोर द इकोनॉमी। अगर आपको डिफिकल्टी होगी, कंसेप्चुअल डिफिकल्टी होगी, तो लेट्स डिस्कस दैट इन द फर्दर सेक्शन ऑफ अवर वीडियो। बट फर्स्ट थिंग क्लियर, वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर द इकोनॉमी वाला कंपोनेंट फॉर आवर प्रीलिम्स 2023 प्रीलिम्स। ओके, तो ये तो हो गया ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में वेटेज। नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 2013 से लेकर 2022 तक कि यूपीएससी ने ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं उस पर ज्यादातर फोकस किया है, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी डिफाइन होती है। अगर आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो, मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो, रमेश सिंह पढ़ रहे हो, संजीव वर्मा पढ़ रहे हो, विवेक सिंह पढ़ रहे हो, तो पेज टू पेज अगर आप रीड कर रहे हो, सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ मृणाल सर वाला बुकलेट हैंड आउट, तो उसके 1200 पेजेस हैं। तो अगर 1200 पेजेस पढ़ते रहोगे तो आप तो क्लियर बिल्कुल, या फिर इकोनॉमी कंपोनेंट आपको कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है उससे। ओके, हाँ, पहले अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन यू हैव टू रीड इट स्मार्टली। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हाईलाइट करने हैं। यहाँ पे ये वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स हैं, ये यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं फ्रॉम 2013 टू 2022, कितने क्वेश्चंस उस टॉपिक पे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन का नंबर वैरी कर सकता है दोस्तों, कि यहाँ पे 3 दिए हैं मैंने तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये टॉपिक वैरी नहीं करेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये लिस्टिंग लिख लोगे आपके नोट्स में या फिर कहीं भी स्टोर कर लोगे, तो आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग अप। ओके, तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन के वेटेज जितना ज्यादा है वो टॉपिक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बैंकिंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स मैंने कहाँ से लिए हैं, तो डेफिनेटली PYQ से रेफरेंस लेके ही ये टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, तो ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं। इकोनॉमी की बात अगर की जाए तो प्रीलिम्स और मेंस, इनमें से इनके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग अलग होती है। प्रीलिम्स में ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिस्टिंग दी है, ये सारे टॉपिक आपको करने ही है, लेकिन अगर आप देखोगे बैंकिंग वाला टॉपिक यहाँ पे मैंने हाईएस्ट वेटेज दिया है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन बैंकिंग वाला टॉपिक मेंस में बिल्कुल भी नहीं आपको पूछा जाता है। वैसे ही एक इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है कि जो मेंस में हर साल रिपीटेटिव क्वेश्चन उस पे है इकोनॉमी के सेक्शन में GS3 में, लेकिन प्रीलिम्स में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में वैसे कोई ज्यादा वेटेज नहीं है। तो इसीलिए आप कॉमन स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हो इकोनॉमी की प्रीलिम्स और मेंस के लिए। मेंस के वक्त जाएंगे तो मेंस की स्ट्रेटजी GS3 की इकोनॉमी की बिल्कुल ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं प्रीलिम्स पे। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि ये जो पॉइंट्स की लिस्टिंग मैंने दी है, ये पॉइंट्स की लिस्टिंग आपको बनानी है। ओके, ये आपको याद रखना है और ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं।
इसको लेके हम लोग माइक्रो या फिर ज्यादा डिटेल या फिर इनडेप्थ में जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जो फर्स्ट अपना टॉपिक है बैंकिंग वाला, उसके साथ यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि इसको भी हम लोग डिसाइफर करेंगे बैंकिंग टॉपिक में। कि सर बैंकिंग तो समझ गया कि ठीक है बैंकिंग टॉपिक फोकस करना है, लेकिन सर बैंकिंग टॉपिक है कम से कम 150 पेजेस का, तो इसमें से सारा पेज टू पेज वापस हमको पढ़ना है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने यही दिया है नेक्स्ट स्लाइड में कि सपोजेडली इफ यू आर थिंकिंग कि बैंकिंग हमें फोकस करना है, तो बैंकिंग में क्या करना है, लेट्स अगेन रेफर टू द PYQ वाला पार्ट। ओके, अगर PYQ के कीवर्ड्स आप इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है फ्रॉम 2013 टू 2022, तो कीवर्ड्स अगर आप अच्छी तरीके से फोकस करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि देयर इज अ ट्रेंड, या फिर वहां एक टॉपिक का रेफरेंस पिछले साल कहीं ना कहीं था, वो फिर अगर क्वेश्चन में होगा या फिर वो ऑप्शंस में होगा, वही रेफरेंस अगले साल अगर क्वेश्चन बन के रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ कि बैंकिंग टॉपिक में आपको कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ने हैं या फिर कौन कौन से कीवर्ड्स कवर करने हैं। तो सपोज एक देखिए यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो 2022 में हाल फिलहाल में ही लेटेस्ट यूपीएससी प्रीलिम में पूछा गया, तो उसका रेफरेंस आपको यहाँ पे 2019 में चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इस पे एक सवाल था वहां पे, उस सवाल में बैंक बोर्ड ब्यूरो का रेफरेंस था। तो वो अगर वहां पे ऑप्शंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते कि व्हाट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो, वो क्या होता है उसके, यानी उसका नॉमिनेशन होता है या फिर सिलेक्शन होता है, कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह वगैरह, उसके राइट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, अथॉरिटी क्या है, वो अगर आप वहां पे 2019 में आप अगर कर लेते तो 2022 का ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं होता। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ PYQ। PYQ इज द बैकबोन ऑफ आर प्रिपरेशन। इकोनॉमी में भी यही है, दूसरे क्वेश्चन सब्जेक्ट्स में भी यही है, यहाँ पे भी यही है, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि आप वो कैसे एनालाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये कीवर्ड्स की लिस्ट लीजिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बैंकिंग की लिस्ट यहाँ पे आपको दी है, तो ये दिस इज द लिस्ट आई हैव गिवन। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोजेडली कि सर टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बारे में 2013 में यूपीएससी ने पूछा था, फिर बाद में यूपीएससी ने NDTL के बारे में पूछा था, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज के बारे में प्रीलिम्स में, और 2019 में यूपीएससी ने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों के बारे में वापस कमर्शियल बैंक के बारे में पूछा है। यानी ये हो गया आपका ट्रेंड। ओके, अगर ये दो टॉपिक आप अच्छे से कर लेते तो 2019 का क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते थे। सो दिस वे आई हैव गिवन यू द कीवर्ड्स और आई हैव शोन यू द वे और पाथ। मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स की लिस्टिंग, माइक्रो लिस्टिंग तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन ये एक मैंने बैंकिंग का एग्जाम्पल लेके सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको यहाँ पे बताया कि आप माइक्रो लिस्टिंग कैसे फॉर्म कर सकते हो इकोनॉमिक के टॉपिक के। ओके, तो जस्ट कीवर्ड उठाइए और वो कीवर्ड उस टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, ऐसे लिस्टिंग खुद की बनाइए और ये आप कर सकते हो। बैंकिंग के यहाँ पे मैंने कुछ आपको और भी टॉपिक दिए हैं, आई कैन गो ऑन गिविंग यू सच एग्जांपल्स। ओके, इफ एंड यू आल्सो कैन डू इट, बट ट्राई टू डू इट और एनालाइज द PYQ और वहां से कीवर्ड उठाइए और अपनी माइक्रो लिस्टिंग खुद प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो कि बेसल नॉर्म्स अगर आप कर लेते हैं यहाँ पे, तो बेसल नॉर्म्स में हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी टू रिस्क वेटेड एसेट तो पढ़ते ही है, CRAR, तो ये अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ये 2018 वाला सवाल आ सकता था आपको। ओके, तो ये एक चीज है, तो ये ट्रेंड आपको एनालिसिस करना ही है। अभी लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में 2013 को पूछा है, बट लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में हाल फिलहाल में कोई डिस्कशन नहीं है, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2013 के बारे में बाद उस पर कोई सवाल ही नहीं है। यूपीएससी ने पूछा, RRBs भी है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन RRBs को 2013 में यूपीएससी ने पूछा था, उसके बाद कहीं भी RRBs नहीं है पिक्चर में, तो RRBs का टॉपिक कम प्रायोरिटी वाला है। तो सेट कीजिए, इस माइक्रो लिस्टिंग में भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर जैसे हम लोग मैक्रो टू माइक्रो जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे, जैसे कि सर इकोनॉमी ये एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में बैंकिंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टॉपिक, और बैंकिंग में भी आपको प्रायोरिटी करनी है, टॉप वन प्रायोरिटी इज माई, जैसे सपोजिटली कि सर NDTL या फिर बैंक की एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये पहला पॉइंट हो गया, एंड द लास्ट पॉइंट इज माई लैंड डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो ये ऐसे आपको माइक्रो लिस्टिंग में भी प्रायोरिटीज करनी है। जब इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे माय फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस आप ला सकोगे। ओके, तो आई कैन गो अगेन, मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। इन्फ्लेशन टॉपिक हो गया, तो इन्फ्लेशन में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इन्फ्लेशन क्या होता है कि, तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ये एक सब कंपोनेंट है या माइक्रो टॉपिक है इन्फ्लेशन में। फिर इन्फ्लेशन के टाइप हो गए, तो फिर दूसरा पॉइंट हो गया कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स हो गए कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करते हैं, ये हो गया, तो कंट्रोलिंग में RBI का रोल क्या होता है, तो ये हो गया। और हाल फिलहाल में ये पॉइंट ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि RBI कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कंट्रोल कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। ओके, तो ये अगर इंपॉर्टेंट है तो इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ये टॉपिक हो गया आपका। So this way you have to think and this way you have to prepare from your static sources. Directly सिर्फ current affairs पढ़ने से economy prepare नहीं होगा, current affairs को static के साथ आपको connect करना ही होगा। Okay? तो I leave you with that कि ये topic, ये point और next point पे चलते हैं, nature of questions। ये भी एक important point है कि PYQ अगर आप देखोगे तो तीन से चार टाइप के क्वेश्चंस का नेचर इकोनॉमी में होता है। जैसे कि पहला होता है आपका प्योरली कंसेप्चुअल। ओके, तो यानी इसमें क्या होता है कि देखिए कि अगर आपको कंसेप्ट पता है देन एंड ओनली देन यू कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन, अदरवाइज
यू हैव टू थिंक, ये अगर प्योरली कंसेप्चुअल है, आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो ही एड्रेस करना है, अदरवाइज माय रिकमेंडेशन वुड बी प्लीज डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि वो गलत ही होगा डेफिनेटली अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो। बिल्कुल भी गेस वर्क कंसेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं करना है, ओके सो ये नीर रीर अगर आपको पता होता तो डेफिनेटली यू कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन। वैसे तो ईजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा फंबल हो गए बच्चे, वो हम लोग जब PYQ की सीरीज भी हमारी है तो आप यूट्यूब पर रेफर कर सकते हो, जब PYQ की सीरीज हम लोग देखेंगे तो ये सवाल जब डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं यहाँ पे डिटेल बताऊंगा आपको कि यहाँ पे फंबल कहाँ हुआ था। बट द हियर आर एजेंडा इज टू डिस्कस द टाइप ऑफ और नेचर ऑफ क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट प्योरली कंसेप्चुअल। फिर बाद में आता है एक करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, कि बहुत सारे बच्चों को यह सवाल है कि सर इकोनॉमी इज करंट ओरिएंटेड या फिर करंट का बहुत ज्यादा वेटेज है। माय फ्रेंड्स, मैं एक ये यहाँ पे बिल्कुल भी कहना चाहूंगा आपको कि करंट अफेयर्स का भी अगर वेटेज इकोनॉमी में है तो आप कुछ कॉमन सेंस या फिर लॉजिकल डिडक्शन लगा के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हो। जैसे कि इसका यहाँ पे ये एक सवाल है कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पूछा है, स्कीम के बारे में सवाल है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट कैसे दिए जाते हैं, ओके या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट का पर्पज क्या होता है। यहाँ पे इस वर्ड पे अगर आप फोकस करते, इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट ये वर्ड तो समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट थोड़े टाइम के लिए आपको क्रेडिट फैसिलिटी या फिर पैसे दिए जाते हैं, तो वो किसके लिए होंगे, तो वो आइदर वर्किंग कैपिटल के लिए होंगे, मेंटेनेंस के लिए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इसके लिए हो सकते हैं। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक्स, ये शॉर्ट टर्म थोड़ी ही होता है। ट्रैक्टर अगर कोई फार्मर परचेस कर रहा है तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करेगा ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक सीजन के लिए थोड़ी परचेस करेगा। हाँ, रेंट पे ले सकता है एक सीजन के लिए, लेकिन यहाँ पे परचेस दिया गया है तो परचेस ऑफ अ ट्रैक्टर डेफिनेटली इट इज अ लॉन्ग टर्म वाला पार्ट, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कैसे होगा। तो ये तो कॉमन सेंस पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और अगर सेकंड कैंसिल करते हैं आप तो डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर हियर। तो लॉजिकल डिडक्शन या फिर थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके आप ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डेफिनेटली हैंडल कर सकते हो इकोनॉमी के। डोंट गेट बॉदर्ड बाय द सिचुएशन की सर करंट अफेयर्स ही है, करंट अफेयर्स ही है, थोड़ा शांत रहिए और हैंडल करने की कोशिश कीजिए, ओके तो ये तो हो गया सेकंड टाइप। द थर्ड टाइप इज प्योर कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है फिर भी यू कैन हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीज आर प्योरली कॉमन सेंस। इफ यू आर स्टेबल और इफ योर माइंड सेट इज स्टेबल इन दोज 2 आवर्स तो आप डेफिनेटली ये हैंडल कर सकते हो। जैसे कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में इसी साल 2022 का ये क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ट अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया, ये डायरेक्टली आपको बुक्स में मिलेगा, कुछ बुक्स में मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था इफ यू आर स्टेबल इन दोस 2 आवर्स, जैसे मैंने अभी कहा, तो विद रेफरेंस टू इंडिया यानी इंडिया से जाने वाला जो पैसा है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ट्रांसफर हो रहा है तो इंडिया से जाने वाला जो पैसा है उसके बारे में पूछा गया है। तो एटलीस्ट आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट यहां पे कर सकते थे कि इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइजेस, ओके तो इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइजेस, सो आउटगोइंग मनी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया तो ये इनकमिंग है तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। इंडियन कंपनी परचेसेस टैंजिबल एसेट इन फॉरेन कंट्री, ओके एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया, तो ये अगेन इनकमिंग हो गया, ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया तो ये भी नहीं होगा। फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स सच एज शेयर्स एंड ड्राइव सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया, तो फॉरेन कंपनी इंडिया में वैल्यू लेती है, जो उसके शेयर्स हैं वो सेल करके उसमें पैसा कमाती है और वो बाहर लेके जाती है, तो देयर विल आंसर इज इन द ए और डी वाला पार्ट। तो एटलीस्ट 50% तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ओके सो दिस इज द केस हियर। अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी एमसीक्यूज हियर, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू द नेचर ऑफ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज यू हैव टू थिंक बिफोर अटेम्प्टिंग इट, ओके कि हमें अटेम्प्ट करना है या नहीं। बहुत ज्यादा कि सर वो टेम्पटेशन होता है कि सर अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर बहुत तरीके से आपको वो अलग अलग ट्रिक्स भी बताई जाती है कि सर ये करो वो करो, या फिर यहाँ पे अगर इंडोज बाय है G20 कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है तो ये तो गलती होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसे ये ट्रिक्स कुछ जगह काम करती है कुछ जगह नहीं करती है, तो माय एडवाइस वुड बी कि ये ऐसे क्वेश्चन जिस पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए, यू कैन स्किप देम और यू कैन अटेम्प्ट इट एट योर ओन रिस्क। इसीलिए मैंने लिखा है थिंक ट्वाइस बिफोर अटेम्प्टिंग, तो ये एक कैटेगरी इकोनॉमी के क्वेश्चन में होती है। ये वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन होगा, ओके तो ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने जो लिस्टिंग दी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक दिया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वापस जाके बता सकता हूँ इफ यू कैन गेट द राइट। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे लिस्ट बनाइए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। तो IMF एक हो गया, हाल फिलहाल में ही पूछा था, अभी G20 एक हो गया, WTO हो गया, ओके वर्ल्ड बैंक हो गया, AIIB हो गया, ओके इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है कि जो फ्रिक्वेंटली यूपीएससी ने इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा है। 50 ऐसी इंस्टीट्यूशन है लेकिन सबके बारे में यूपीएससी ने बिल्कुल भी नहीं पूछा है फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, लिमिटेड ही इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसी के बारे में फोकस कीजिए, ओके
आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेचर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ओके, तीन से चार नेचर हो गए। दूसरा एक रिसेंट ट्रेंड मैं आपको बताना यहाँ चाहता हूँ थ्रू द नेचर ऑफ क्वेश्चन ओनली, कि चेंजिंग नेचर। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है कि आरबीआई कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज माई टॉपिक एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज माई टॉपिक हियर, ठीक है, डन। तो ले तो लेकिन ये तो एक ही टॉपिक हो गया। अगर सेकेंड ऑप्शन आप देखोगे, इफ रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल द डॉलर इन द मार्केट, यानी ये टॉपिक कौन सा है? तो ये तो टॉपिक सर हो गया, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी आता है आरबीआई का, लेकिन ये एक्सचेंज रेट में भी आएगा आपका टॉपिक, ओके, या फिर फॉरेक्स में भी आपका ये टॉपिक आएगा कि हाउ द रूपी इज डिप्रिसिएटिंग, अप्रिसिएटिंग, डिवेल्युएटिंग, ये जहां सीखते हैं वहां पे भी ये टॉपिक होगा। यानी एक से ज्यादा टॉपिक, मोर देन वन टॉपिक क्लब करके सवाल पूछे जा सकते हैं। दिस इज द रीसेंट ट्रेंड और चेंजिंग नेचर ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस। इसीलिए अगर दो टॉपिक आपके कंसोलिडेट होंगे, देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए टॉपिक कोई दूसरे नहीं है, इन्फ्लेशन हमारे लिस्टिंग में ऑलरेडी है, टॉपिक वाइज लिस्टिंग में। एक्सचेंज रेट रेजिम या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पूरा कंपोनेंट हमारे टॉपिक लिस्टिंग में ऑलरेडी है। तो बस ये दो टॉपिक को क्लब करके एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। ये चेंजिंग नेचर है यूपीएससी का, ओके, एमसीक्यूज का, अगर आप देखोगे इकोनॉमी सेक्शन में। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको नोटिस करना चाहूंगा कि जैसे कि अगर आप ओवरऑल यूपीएससी का नहीं लेकिन इंडियन इकोनॉमी का अगर सोचोगे, तो इसमें कुछ चीजें आपके, जैसे जैसे कि ये एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, कि जैसे कि स्टार्टअप कल्चर, ये अगर मैं आपको कहूँ तो आप लोग तुरंत हाँ कर दो कि यस सर, स्टार्टअप कल्चर इज बूमिंग इन इंडिया, कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, यूनिकॉर्न फॉर्म हो रहे हैं, एजुटेक में भी बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आने लगे हैं, राइट। तो या फिर शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा, तो ऐसी एपिसोड या फिर ऐसे सीरियल्स भी ऑन एयर हो रहे हैं, तो स्टार्टअप कल्चर तो बहुत ज्यादा बूम हो रहा है इंडिया में, ओके। तो इसके मध्य इसको कंसर्न करते हुए यूपीएससी ने दो सवाल इस साल पूछ लिए। तो देखिए डायरेक्टली स्टार्टअप को हाईलाइट करते हुए ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं या फिर कुछ कुछ वर्डिंग्स हैं कि जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा स्टार्टअप कल्चर फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़पेपर में या फिर आप वो शार्क टैंक वगैरह वाली सीरीज भी देख रहे होंगे, तो ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली बार बार वहां पे सुनने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखें, डोंट रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, मार्केट प्लेसेस ये एक सवाल दिया गया है। तो वैसे तो मार्केट प्लेसेस हमें नहीं, कन्वेंशनल बुक्स में अगर पढ़ोगे तो रेयर होगा कि मार्केट प्लेस ये वर्ड आपको मिले, लेकिन मार्केट प्लेस का मतलब होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा या फिर अगर आपने कुछ देखा होगा स्टार्टअप के बारे में, तो ये स्टार्टअप से जुड़ा हुआ ये एक वर्ड है, राइट। फिर बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, तो कैपिटल कितना रेज करना है या फिर आप कितना फंड रेज करने आए हो, आप कितनी इक्विटी डाइल्यूट करोगे, डेट लोगे, वगैरह वगैरह, ये सारी भी चीजें हैं जो स्टार्टअप कल्चर के साथ ही रिलेट होती हैं। तो ये हम लोग एक ये कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट विच इज फ्रॉम ब्रॉडर परस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, की ब्रॉडर एस्पेक्ट का अगर डिस्कशन करेंगे तो ये सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। तो आपको ऐसा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में इकोनॉमी में डिस्कशन हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं टॉपिक है, लेकिन अभी भी पिछले साल इस साल आरबीआई बहुत ट्राई करने के बावजूद इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। हर कोई या फिर ग्रास रूट लेवल तक इन्फ्लेशन का डिस्कशन अभी पहुंच चुका है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आने ही वाला है या फिर होगा ही। फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या फिर हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गया या मनी मार्केट हो गया, प्रीवियसली 2-3 साल अगर आप देखोगे 2018 से लेकर अभी तक 2022 तक, तो फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है, राइट। फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, डेट इंस्ट्रूमेंट हो, बॉन्ड्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो, तो इस पे यूपीएससी बार बार सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि आफ्टर कोविड या फिर कोविड आने के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगी, यंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा विजिलेंट होने लगी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में या फिर अलग अलग इन्वेस्टिंग के अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर ऐसा हो रहा है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली यूपीएससी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है आप लोग सोच सकते हो? एक्सचेंज रेट के बारे में, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसके लिए आरबीआई कुछ कर रही है। हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे डिस्कशन है रुपी डिप्रिसिएशन के बारे में और उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट इसके बारे में। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो ऐसे आप भी लिस्टिंग बनाइए कि द लिस्ट इज कट, यानी यू कैन कंटिन्यू द लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि आपको भी अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए इकोनॉमी के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग हमारे सिलेबस से कनेक्ट कर सकते हैं, कि जो अभी डिस्कशन में है एज पर इंडियन इकोनॉमी गोल्स, तो वो डिस्कशन करना है। जैसे कि मैंने, मुझे अभी ये क्लिक हो रहा है तो अभी आपको बता दूंगा, बता रहा हूं कि रिसेशन के बारे में आपने भी सुना होगा कि सर 2023 इज अ रिसेशन ईयर, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं कि यूएस इकोनॉमी हो गई या फिर यूरोपियन इकोनॉमीज हो गई, सो दोज इकोनॉमीज विल बी इन रिसेशन इन 2023, मार्च से ये शुरू हो जाएगा इंपैक्ट होना, मार्च 2023 से। तो
अगर ये न्यूज में आपने एक दो बार पढ़ा भी होगा तो हमारे स्टैटिक टॉपिक कौन सा है, बिजनेस साइकिल एक स्टैटिक टॉपिक है हमारा, राइट। इन्फ्लेशन जब पढ़ते हैं हम उसमें बिजनेस साइकिल एक टॉपिक है, तो बिजनेस साइकिल में रिसेशन एक टॉपिक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि रिसेशन पे कुछ ना कुछ यूपीएससी पूछ लेगा 2023 प्रीलिम्स में। तो ऐसे आपकी खुद की लिस्टिंग भी बनाइए और उसको स्टैटिक टॉपिक से कनेक्ट कीजिए। ओके, आई होप यू गॉट द स्ट्रैटेजी हियर कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। और ये ऐसे चेंजिंग नेचर यूपीएससी के क्वेश्चन का भी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, दैट इज सोर्सेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर क्या करना है सोर्सेस के बारे में, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस आर देयर। अगर दूसरे सब्जेक्ट देखें कि पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत बस एक ही सोर्स है, ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी है या फिर दो तीन रेफरेंस है, दैट इज दैट्स इट। लेकिन सर इकोनॉमी के लिए सोर्सेस तो बहुत ज्यादा है, तो क्या करें? तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ये चीज कहना चाहूंगा कि वॉट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग टिल नाउ, फर्स्ट थिंग मैं सोर्सेस तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये एक डिस्क्लेमर है, आगे भी मैंने वो रिपीट किया है कि वॉट एवर सोर्सेस यू आर रेफरिंग प्लीज स्टिक टू दैट सोर्स, डू नॉट चेंज यूर सोर्स एट एनी कॉस्ट माई फ्रेंड। ओके, कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप मृणाल सर के हैंडआउट्स पढ़ रहे हो तो हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपके जो हैंडआउट्स है उसमें से पिलर नंबर 1, 3, 4 आर इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड जो पिलर है वो थोड़ा सिलेक्टिवली प्रिपेयर कीजिए। ओके, ये एक चीज है। अगर आप संजीव वर्मा सर का पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, रमेश सिंह पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, विवेक सिंह पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन एक ही सोर्स रेफर करना है। हाँ सर, हम लोगों ने बहुत बार ऐसे होता है बच्चों के साथ कि सर हम लोगों ने ऐसे एक्स वाई जेड टेस्ट सीरीज लगाई, सपोज यू आर अपेयरिंग फॉर द प्रयास टेस्ट, कि प्रयास की इकोनॉमी की टेस्ट हम लोगों ने दी सर, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन उसमें क्या हो गया कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा था एक्स सोर्स थे तो वो तो कोई आउटपुट हमारा आया ही नहीं। तो सर कैन आई चेंज द सोर्स नाउ? आंसर इज वेरी मच नो। ओके, प्लीज डोंट चेंज योर सोर्स, वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन इन द टेस्ट, तो वो मिस्टेक्स वापस आपके सोर्सेस में देखिए, शायद आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस टॉपिक के बारे में। अगर वो फैक्चुअल होगा तो शायद फैक्ट्स उतनी आपकी नहीं होंगी, फैक्ट्स की रिवीजन नहीं हुई होंगी, या फिर दूसरे कोई रीजंस होंगे। अगर वो चीज आपके सोर्स में है ही नहीं तो वो सोर्स आपका अपडेट कीजिए, लेकिन सोर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जो 3-4 स्टैंडर्ड बुक्स मैंने अभी आपको कही वही सोर्सेस, उसमें से एक ही, 3-4 नहीं करनी है। ओके, और जैसे जैसे हमारा ये मॉड्यूल, प्रथम का मॉड्यूल प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे मैं आपको उस सोर्सेस की माइक्रो लिस्टिंग भी दूंगा कि उस सोर्स में से क्या क्या पढ़ना है आपको। यानी जैसे मैंने कहा कि मृणाल सर के पिलर वन में जब हम जीडीपी जीएनपी पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो मृणाल सर के पिलर वन में से आपको क्या क्या पढ़ना है, या फिर संजीव वर्मा सर के बुक में से, श्रीराम के बुक में से क्या क्या पढ़ना है, तो आई विल गिव यू दैट माइक्रो लिस्टिंग ऑल्सो। ओके, तो ये एक चीज याद रखिए, प्लीज डू नॉट चेंज योर सोर्स वॉट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कीजिए कि मैं सोर्सेस के बारे में भी इन डेप्थ अलग से वीडियो यहां पे बनाऊंगा। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज। बहुत बार ऐसे होता है, ये चीज मैंने यहां पे क्यों इंसर्ट की है कि सर बहुत बार ऐसे होता है कि इकोनॉमी का सेक्शन या फिर ओवरऑल पेपर के बारे में भी अगर डिस्कस किया जाए कि टेस्ट देने जाते हैं सर, तो एक हमारे मार्क्स में प्लेटू क्रिएट हो गया है। इसका मतलब है कि सर आई एम गेटिंग मैक्सिमम 85, 85 के आगे मार्क्स जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है माय फ्रेंड कि वॉट एवर सोर्सेस यू आर रेफरिंग, तो आप लोगों ने जो चीज़ उसमें अंडरलाइन हाईलाइट की है या फिर जो पहले पढ़ लिया है वही आप वापस रिपीट पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा, और फिर अगर वही वापस रिपीट पढ़ रहे हो तो उससे जितने मार्क्स पहले आ रहे हैं उतने ही आने वाले हैं। उसी सोर्स में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने स्किप कर दी हैं वो आपको पढ़नी है, वो कहाँ से मिलेंगी? तो वो आपको एडिशनल एमसीक्यूज जब आप प्रैक्टिस करोगे उससे मिलेंगी। तो अगर आप वेटरन हो, इसीलिए ये यहाँ पे बुकलेट की सीरीज हमारी है, तो यू कैन परचेज दिस, और इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ द बैच देन यू विल गेट इट डेफिनेटली। ओके, तो अगर आप वेटरन है और अगर आप फ्रेशर भी है तो दोनों को ये सॉल्व करने हैं यहाँ के एमसीक्यूज। तो वेटरन अगर आप हो तो पहले तो आप क्या करो, ये एमसीक्यूज सॉल्व करो। सपोजेडली पिछले कुछ स्लाइड्स में हम लोगों ने बैंकिंग टॉपिक के बारे में बात की, तो यहाँ से आप बैंकिंग का टॉपिक पढ़ लीजिए, बैंकिंग के एमसीक्यूज पहले सॉल्व कीजिए, कम वॉट में डायरेक्टली यहाँ पे एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। ओके, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि बैंक एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद देन गो टू योर स्टैटिक सोर्स और फिर पढ़िए, उसमें से जो कुछ मिस हो रहा है वो अपडेट कीजिए, एंड देन गो फॉर द पीवाईक्यू वाला पार्ट। तो ये हो गई आपकी टेस्ट रिवाइज टेस्ट टेक्निक, टीआरटी टेक्निक इसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो पहले आपको आपके सोर्सेस कंप्लीट करने हैं, देन आपको पीवाईक्यू देखने हैं, और उसके बाद आपको एडिशनल एमसीक्यू इस मास्टर एमसीक्यू सीरीज से सॉल्व करने हैं। दिस इज योर टेस्ट रिवाइज टेस्ट टेक्निक। ये टेक्निक अगर आप अप्लाई करोगे तो इसके आगे तो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। दिस विल गिव यू, आई वोंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ के जो एमसीक्यूज हम लोगों ने दिए हैं दोज आर एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी और यही एमसीक्यूज आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसा दावा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करने जरूरी है, जो सब्जेक्ट कॉस्ट बेनिफिट में होते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं, और इकोनॉमी उनमें से एक है। तो डेफिनेटली आप ये एमसीक्यू सीरीज चेकआउट कीजिए और ये सॉल्व कीजिए। देन विल मूव ऑन टू सम मिथ्स। ओके, या फिर
कुछ मिथ्स यहाँ पे इकोनॉमी के प्रिपरेशन के बारे में मैं बस्ट करूंगा, या फिर आप कह सकते हैं इसे थम रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग इकोनॉमी फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। कुछ थंब रूल्स हैं जो फॉलो करने ही करने हैं। वैसे तो ये थंब रूल्स हमें पता होते हैं दोस्तों, लेकिन थ्रू आउट द प्रिपरेशन हम लोग ये स्किप कर जाते हैं। तो देखते हैं वापस क्या क्या थंब रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने बहुत देर से मैं आपको कह रहा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट इग्नोर योर बेसिक्स या फिर डोंट इग्नोर योर स्टैटिक वाला पार्ट। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक पार्ट या फिर स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही होगी। अगर वो आप स्किप कर दोगे तो डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स इन योर इकोनॉमी। अननेसेसरी, ये सेकेंड पॉइंट इसकी करोलरी ही है, अननेसेसरी करंट अफेयर्स पे फोकस मत कीजिए, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कीजिए। अननेसेसरी करंट अफेयर्स पे फोकस करोगे तो स्टैटिक मिस हो जाएगा और करंट अफेयर्स का इंपैक्ट उस पर होगा, करंट अफेयर्स भी नहीं होगा, सब फिर कंफ्यूजन और फिर आउटपुट जीरो होगा उस पर। ओके, अगर आप पीटीज भी कर रहे हो, मार्च मंथ में पीटीज आनी शुरू हो जाती हैं, तो अगर पीटीज भी आप कर रहे हो तो पीटी भी आपको इकोनॉमी की सिलेक्टिवली ही करनी है। सबसे ज्यादा बजट इकोनॉमी, उसके बारे में कहूंगा, ये पॉइंट है कि बहुत ज्यादा एम्फोसिस बच्चे बजट और इकोनॉमिक सर्वे को देते हैं। तो अगर आपको बजट इकोनॉमी की समरी जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है ग्रुप पे, वो अगर आप मिल सकती है तो वो कवर कर लीजिए। ओके, उतना ही कवर करने की जरूरत है। ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर टू चैप्टर, पेज टू पेज पढ़ना अगर ये करने लगोगे तो ये तो फिर यही होगा बस, फिर मई महीने तक दूसरा तो कुछ होने ही नहीं रहा वाला फिर। ओके, तो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, अननेसेसरी एम्फोसाइज बजट सर्वे पे भी नहीं देना है, अननेसेसरी एम्फोसाइज करंट अफेयर्स पे भी नहीं देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक वाला पोर्शन, कंसेप्चुअल पार्ट जो मैंने टॉपिक की लिस्टिंग दी है वो। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज स्टिक टू वन सोर्स, प्लीज डू नॉट चेंज योर सोर्स, दिस इज माय रिक्वेस्ट और दिस इज आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन। ओके, PYQs आर द बैकबोन ऑफ आवर प्रिपरेशन, वो भी मैंने आपको कह दिया, दोज आर, यू कैन नॉट इग्नोर PYQ। भले ही आप वो MCQ, एडिशनल MCQ मत कीजिए, लेकिन PYQ अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप 100% लूज करने वाले हो। ओके, रिपोर्ट इंडाइसेस स्कीम्स, ये इसका जो फोकस है, ये आप जितना लेट करोगे उतना ज्यादा वो होगा, क्योंकि वो फ्रेश होगा। सपोजेडली कि अगर मे इन द मंथ ऑफ मे आप पढ़ रहे हो, 1 से 10 मई के बीच में, या फिर वैसे ही एग्जाम से पहले अगर आप कुछ रिपोर्ट इंडाइसेस, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं और फैक्चुअल चीजें की जितनी लेट पढ़ोगे या फिर एग्जाम की जितनी जितनी पास होगी उस वक्त जब पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगी। अगेन, इस पे ज्यादा एम्फोसाइज अभी से करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टिवली चीजें कीजिए। ओके, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे इकोनॉमी में वाइल सॉल्विंग द MCQs। बहुत बार ऐसे होता है, ये ज्यादातर जिन बच्चों का इकोनॉमी स्ट्रेंथ होता है या फिर इकोनॉमी जिन बच्चों को जो बच्चे इकोनॉमी में कॉन्फिडेंट होते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। दे डोंट नो वेयर वी हैव टू स्टॉप आर थिंकिंग रिगार्डिंग द कंसेप्ट, क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट, एक कंसेप्ट के बारे में ज्यादा सोचोगे तो कनेक्टिंग द डॉट करके वो कंसेप्ट आपको सारे इकोनॉमी में घुमाते हुए लेके जाएगा और फिर सारे ऑप्शन आपको करेक्ट ही लगने लगेंगे एंड यू विल लूज योर मार्क्स देयर। ओके, तो ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये फेस भी किया होगा। जिन जिन लोगों ने फेस किया है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपने ये फेस किया है। ओके, तो प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग, बेसिक्स पे स्टिक रहिए कि इतना सोचना है, यहाँ पे स्टॉप करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। दिस विल यू विल प्रैक्टिस थ्रू द टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, जितनी टेस्ट आप लगाओगे वहां टेस्ट को जाने से पहले खुद को बताना है कि वी हैव टू स्टॉप द ओवर थिंकिंग, वही बेसिक चीजें बतानी है या फिर एनालाइज करनी है और आंसर लिख के आ जाना है। ओके, प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग। देन जैसे एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि कंट्रोल द ग्रेड ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज यूपीएससी लव सरप्राइजेस। जैसे वहां पे G20 वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी एवरी ईयर यूपीएससी विल गिव यू सम और अदर काइंड ऑफ अ सरप्राइज, तो वहां पे आपको उन 2 घंटे में एनालाइज करना है कि ये सवाल हमें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि इकोनॉमी के बारे में ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जिन लोगों की स्ट्रेंथ होती है इकोनॉमी सब्जेक्ट, ओके, जैसे अगर मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई उससे आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड नाउ इकोनॉमी इज योर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ है तो मेरा एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमी के साथ कि जितने सवाल मैं इकोनॉमी के देख रहा हूँ उतने सवाल मुझे आने ही चाहिए। तो प्लीज डोंट ओवर एम्फोसाइज या फिर उस ग्रीड में मत रहिए कि मुझे सारे सवाल आने ही चाहिए। ओके, क्योंकि यूपीएससी कुछ ना कुछ सरप्राइजेस तो आपके लिए देगा ही, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी इज। ओके, राइट, अगर वैसा नहीं होगा तो यूपीएससी का इंपॉर्टेंस होगा ही नहीं फिर, राइट। सो प्लीज कंट्रोल द ग्रीड ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन इवन इफ इकोनॉमी इज योर स्ट्रेंथ। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 15 अगर क्वेश्चन है तो आप 10 ही अटेम्प्ट करके आइए, जस्ट डिसाइड 1 or 2 questions तो सरप्राइज के लिए होंगे ही, सरप्राइज एलिमेंट ज्यादा नहीं होगा, 1-2 questions में सरप्राइज एलिमेंट डेफिनेटली होगा, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सरप्राइजिंग एलिमेंट एंड यू हैव टू स्किप और डिसाइड अकॉर्डिंगली। स्किप ही करो ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन डिसाइड अकॉर्डिंगली। ओके, तो आई होप यू गॉट दिस थंब रूल्स ऑफ द फॉर इकोनॉमी प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड आई होप यू गॉट द एंटायर आइडिया और स्ट्रेटजी दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द इकोनॉमी वाला कंपोनेंट। ओके, जैसे जैसे अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछिए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेट्स डिस्कस। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इकोनॉमी स्पेसिफिक अगर कुछ डाउट होंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।